इधर यही है मेरा। भी आ जा। दिस कैमरा आई थिंक बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था एंड एक शॉर्ट फिल्म आई थिंक फॉर मी फर्स्ट टाइम मैंने शॉर्ट फिल्म में काम किया है एंड मुझे ये जो इशू है काफ़ी अच्छा लगा। यू नो वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में था तो इन अ वे अच्छा भी लगा करके और कुछ नया था, ऐसा टाइप का कैरेक्टर मैंने पहले कभी प्ले नहीं किया है तो फॉर मी तो इट वॉज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। जी मेरे लिए भी जो सबसे पहले मैंने ये जब स्टोरी सुनी थी तो इट्स अबाउट कि वुमेन क्या क्या फेस करती हैं अपने साथ, तो वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है वो दर्शाया गया इसमें। एंड देन द स्टोरी वॉज वेरी डिफरेंट एंड ऑफकोर्स जो मैंने प्ले करा है वो मैंने इससे पहले ऐसा करेक्टर नहीं प्ले करा, तो ये सब चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग थी मेरे लिए टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शॉर्ट फिल्म एंड इसलिए मैं इसका पार्ट हूँ और बहुत अच्छा लगा शूट करके एंड द टीम वॉज अमेजिंग। मतलब एक दिन में शूट करना इतना 20 मिनट का फुटेज निकालना बहुत बहुत बड़ी बात है, बीट एक्टर्स ले लीजिए या टेक्नीशियंस ले लीजिए सबका बहुत अच्छा काम था। वही कह रहा हूँ ना कि जैसे कि मेरा कैरेक्टर ले लीजिए, अगर मेरे कैरेक्टर की बात करते हैं तो हमेशा मैंने बहुत ही स्वीट या कॉमेडी या बहुत ही सीधा साधा लड़का प्ले करा है, बट यहाँ पर उसको इट वॉज़ अ ट्विस्ट एंड टर्न्स इन द करेक्टर ओनली कि उसको कैसे एक पॉजिटिव से नेगेटिव बनना था और कैसे एक एक गिरा हुआ इंसान बनना था, तो वो सब चीज़ें इस करेक्टर में थी और इससे पहले मैंने नहीं करा था, तो यही बहुत बड़ी डिफरेंस था मेरे लिए टू परफॉर्म करना। एंड जो कि आप देखेंगे अब MX प्लेयर पर टेडी बियर करके एंड वही नहीं। या आई थिंक राइटली सेड बाय हिम, इवन मेरे जो कैरेक्टर था विद्या के कैरेक्टर में काफ़ी सारे शेड्स थे। व्हेन शी स्टार्टेड ऑफ यू नो एक बहुत ही इंडिपेंडेंट बेचारी सी लड़की लग रही थी जो अपना घर चलाने की कोशिश कर रही है, यू नो सिंगल ऑब्वियसली वो है, शी इज़ अ विडो, बट देन टुवर्ड्स द एंड कैसे उसका ग्राफ चेंज हुआ एंड द होल वुमेन एम्पावरमेंट वाला इशू, हाउ शी सॉर्ट ऑफ थॉट कि जब अपने पे बात आती है देन एवरी वुमेन इज़ केपेबल ऑफ रियली लुकिंग आफ्टर हर सेल्फ एंड डूइंग यू नो व्हाट इज़ नीडेड जस्ट टू प्रोटेक्ट हर सेल्फ। क्योंकि हम एक दूसरे को जानते थे क्योंकि वो भी इस इंडस्ट्री से, मैं भी और हमारा एक ग्रुप है वी आर अ पार्ट ऑफ दैट, तो मैं इनको जानता था ये भी मुझे जानती थी, तो एक कम्फर्टेबल ऑफकोर्स पहले से था हमारे बीच में। तभी ये आप देखेंगे कि एक ही दिन में आप जब केमिस्ट्री भी देखेंगे या कुछ भी देखेंगे तो वो सब देखें मिलता है आपको क्योंकि वो एक था चीज़ हमारा शो बॉन्ड पहले से बनी हुई थी, तो इतना कंफर्ट लेवल हमारा पहले से एक्चुअली बहुत अच्छा था। लकीली
सर जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि इसका ये कैरेक्टर बहुत ही चेंज है, मैंने इससे पहले करा नहीं था और ये एज एन एक्टर मेरे लिए भी बहुत चैलेंजिंग था ये रोल करना, और मैं अपने लिए वही आजकल मैं रोल्स देखता हूँ जो मेरे लिए चैलेंजिंग है एज एन एक्टर, तो और मैं कंफर्ट लेवल से मेरे बाहर हूँ और ये इसमें वो सब कुछ मुझे मिल रहा था एज एन एक्टर, तो इसलिए मैंने ये कैरेक्टर करा। Yeah, I'm sure this was a very untouched kind of environment for me for this, and सच में because it was untouched मुझे और ज़्यादा मज़ा आया करने में, because बहुत कुछ था you know करने के लिए, बहुत कुछ सीखने को भी मिला और एक you know नया level of आप कह सकते हैं एक नया environment भी मैंने kind of discover किया as an actor, and I think that's what we want at the end of the day, you want to kind of play characters that you haven't played before, you wanna see how much you can grow as an actor, so hopefully in the future that is what I intend on doing and I will. और मेरा भी ऐसा ही है कि अब जो मेरे आगे मैं करने जा रहा हूँ अभी shoot और जो मैं करूँगा उसमें आपको बहुत कुछ difference मिलेगा, आपको लुक में भी बहुत डिफरेंस दिखने वाला है मेरे हर एक करेक्टर में, और जो मैं प्ले करने वाला हूँ वो भी बहुत डिफरेंट, तो आपको एक टाइप का रोल नहीं दिखेगा कि अच्छा ये ही लाइन पकड़ के चल रहा है, सो यू विल सी अ डिफरेंस इन माय रोल्स एंड माय लुक्स आल्सो। सो बात करें आपके जो इससे पहले बेकाबू में आपका जो रोल था काफी छोटा काफी इंपैक्टफुल रोल आया जितना आपने प्ले किया बेकाबू में, उसके बाद फिर अभी कोई ऐसे टीवी शो आप पिच कर रही हो फिलहाल के लिए? जी बेकाबू आई थिंक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए, ऑल दो इट वॉज वेरी शॉर्ट लिव्ड, बट आई थिंक द होल टीम रंजन सर से लेके एवरीबडी ऑन सेट आई थिंक बहुत कुछ सीखने को मिला फ्रॉम एवरीबडी ऑन सेट, एंड ऑब्वियसली वर्किंग विद बालाजी इज़ ऑलवेज अ फन एंड वंडरफुल एक्सपीरियंस। येस एक दो और चीज़ें हैं पाइपलाइन में जो मैं अभी अनफॉर्चुनेटली नहीं रिवील कर सकती, बट बहुत ही जल्द इनफैक्ट आई थिंक इन द कमिंग वीक ओनली यू गाइस विल फाइंड आउट अबाउट इट एंड देन आई विल बी मोर देन हैप्पी टू टॉक मोर। इसमें से एक मोर के लिए कोई अच्छा मैसेज देने की कोशिश की गई है? ऑफ कोर्स लाइक आप लोग ने देखा है बहुत ही वुमेन सेंट्रिक फिल्म है, एंड मैसेज बस यही है कि यू नो इट्स इम्पॉर्टेंट टू ऑलवेज look after yourself and know that you are capable, you are courageous enough to do whatever it takes to survive. And anything of like update for the reality show ki tarah you have been film mila hai nowadays there is casting going for Big Boss 2017, to kya aap dono mein se koi hame nazar aa sakta hai? Nahi, main like I am the focusing more on the web and I don't want to do any reality shows abhi. बिग बॉस का तो नया, बाकी और शोज आ रहे हैं टेम्पटेशन आइलैंड वगैरह ये बहुत कुछ आ रहा है, सो उससे दूर है अभी। एग्जैक्टली अभी थोड़ा रियलिटी से ब्रेक लेके एक्टिंग पे फोकस करते हैं। मुझे लग रहा है मैं स्प्लिट, जब मैं 50 साल का हो जाऊंगा तो शायद स्प्लिट से मैं जाऊं। परफेक्ट न्यू थीम इंट्रोड्यूस करेंगे हम। सर अभी पहले मेरे स्प्लिट्सविला रोडीज वगैरह करना है 50 साल की उम्र में, जोक्स अबाउट, बट अभी नहीं नहीं कोई कोई इसका। इसके अलावा कोई आने वाले वक्त में और क्या क्या चीज़ें पाइपलाइन में हमारी ऑडियंस मतलब शेयर करना चाहें? है एक टीवी शो है पाइपलाइन में और एक वेब भी लाइंड अप है फिलहाल, जो डिटेल्स है अभी कुछ दिन में ही मैं सबके साथ शेयर करना यू नो चाहूँगी, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। जी मेरा टीवी का तो अभी कुछ थोड़ा मैंने ब्रेक ले रखा है कसौटी के बाद से, पाँच साल हो गए हैं कल ही हुए हैं, और मैंने टीवी के लिए उसके बाद इतना ट्राई नहीं किया है, सो आई एम मोर फोकसिंग ऑन वेब और वो ही चल रहा है, और तीन चार मेरे वेब सीरीज़ रिलीज़ हुई हैं, अभी शॉर्ट मूवीज़ हो रही हैं, और अभी दो हैं जो रिलीज़ पर हैं, और अभी मैं एक शूट के लिए जा रहा हूँ, तो सब वेब में ही हैं जो मैं वेब स्पेस में ही मैं काम करना चाहूँगा। नाम ही इतना प्यारा है टेडी बियर की, जाइए देखिए और मज़े लीजिए। यस आज रात से स्ट्रीम होगा ये MX पे और बहुत सारे दूसरे प्लेटफॉर्म पे इज़ वेल, सो प्लीज़ जाइए अपना प्यार दिखाइए एंड आई होप यू गाइस लाइक द अमाउंट ऑफ लव एंड एफर्ट वी पुट इनटू इट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Okay.
अच्छा खासा आपने प्रेजेंटेशन दिया अभी, काफ़ी अच्छा बेहतरीन कंटेंट, लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल फॉर थैंक यू। साथ ही आप बता रहे हैं किस आपका एक्सपीरियंस रहा टेडी बियर एंड व्हाट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट यू गाइस आर प्रेजेंटिंग, क्या कुछ आप रहने वाली ऑडियंस के साथ जो भी देखने वाली टेडी बियर। इवेंचुअली टेडी बियर है एक कॉन्सेप्ट ऐसा है जिसकी एक मेन लाइन है वहाँ पे, अगर आप लोगों ने देखी होगी तो, कि दुनिया में इंसानों की भीड़ तो बहुत है पर इस भीड़ में कोई इंसान नज़र नहीं आता है। तो इस फिल्म में आप ये देखना चाहेंगे कि जो विद्या की कमजोरी है, विद्या ने उसी को अपना हथियार बना लिया है और जिसके सहारे वो जिंदगी काट रही है। तो आई थिंक बाकी आप लोग देख के ही समझ पाएंगे। शायद तो यही मेरा एक था कि एक सोशल मैसेज है ये कि कोई भी औरत अकेली हो कि वह अकेली नहीं हो सकती, अगर वो चाहे अपने आप को किसी भी माध्यम से, किसी भी चीज़ से लेके, चाहे अपने फैमिली हो या कोई भी चीज़ हो जिससे वो बहुत अटैच है, अपने आप को इस दुनिया से बचा सकती है। जो क्योंकि आजकल इंडिया हो या कहीं भी हो कि औरतें अकेली हैं या लड़की अकेली है तो उसको लोग अलग ही नज़र से देखते हैं, मतलब उसको कुछ ना कुछ उसके बॉडी को लेके, और अगर लड़की सुंदर है तो और ज़्यादा ही उसके ऊपर प्रॉब्लम आती है। तो एक मैसेज यही था कि एक जैसे विद्या ने टेडी बियर का सहारा लिया, वैसे कोई भी लड़की, कोई भी औरत किसी भी का सहारा लेके अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती है। एक्चुअली आजकल इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ सिंगल पर्सन और सिंगल लेडी की कैसे सर्वाइव करना है, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन। तो इसमें यही है कि अगर आप अपनी सेफ्टी पे आ जाए तो कोई भी चीज़, कोई भी जरिया बन सकता है और आप खुद की यू नो सेल्फ कर सकते हो टच। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, और जैसे कि हमने एक ही दिन में ये स्टोरी एकदम लिखी एंड शूट किया, और मेरा पर्सनली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। लाइक अब मेरे कोस्टार्स दे आर वेरी हेल्पिंग एंड हमारे डायरेक्टर, मेरे प्रोड्यूसर, सो मैंने बहुत इंजॉय किया। और बेशक ये मेरा एक छोटा सा होता, लेकिन पर्सनली मेरे को बहुत मज़ा आया करने में। सी मैं एक बहुत इंडिपेंडेंट लड़की हूँ, आई एम अ वेरी स्ट्रांग पर्सन, और मैं बिलीव करती हूँ इंडिपेंडेंट, मतलब किसी की भी ज़रूरत नहीं है लड़कियों को अगर वो अपने में आ जाए तो, अगर अपनी सेफ्टी पे है तो आई डोंट नीड एनी मैन टू हेल्प मी, और कोई भी नहीं चाहिए मैं अपनी, यू नो आजकल लड़कियाँ बहुत आगे हैं, लड़कों से भी आगे हैं, तो मेरा तो पर्सनल यही है। इवेंचुअली ये आइडिया और स्टोरी लाइन वाइज चीज़ें, आइडियाज़ तो काफ़ी दिनों से चल रहे थे, बट शाद भाई के सुनने के बाद ये था कि क्योंकि दो दिन के बाद हमारा नेक्स्ट शेड्यूल जो भी आगे आने वाला है वो आप देखने वाले हो, तो हमारे पास टाइम ही नहीं था और ये करना ही था, तो जिसके लिए हमने डिसाइड किया कि नहीं हम जो है करते हैं और एक ही दिन में करते हैं। तो और बाकी पूरी टीम का सपोर्ट और एक्टर, एवरीबॉडी इज़ लाइक वेरी सपोर्टिंग, मतलब एक दिन सच में हमें बहुत मज़ा, हमें लग रहा था कि इसको और ड्रैग करते हैं बट वी हैड अ फन। बिल्कुल, हम लोग अभी इसके बाद हमने एक फिल्म अभी कंप्लीट किया भी है जो मोस्टली इस मंथ या अक्टूबर के लास्ट में रिलीज होगी, वो भी एक अच्छे OTT पे, वो वेब फिल्म है, मतलब प्रॉपर बड़ी फिल्म है वो। हमने एक अभी इस मंथ ही, हम 5 तारीख से हम एक और फ्लोर पे जाने वाले हैं एक और वेब के लिए, जो ये भी सेम OTT के लिए है, वो 5 एपिसोड्स की वेब फिल्म है, तो उसमें भी विपिन सर ही डायरेक्ट कर रहे हैं उस चीज़ को। हम लोग आउटडोर शूट करेंगे मुंबई के बाहर, और बहुत अच्छी स्टोरी है वो, उसका नाम रिवील करेंगे जल्दी। तो बस हाँ, दो तीन चीज़ें हैं, मेरे 2-3 गाने आने वाले हैं अभी, नेक्स्ट वीक मेरा एक गाना रिलीज़ है जब प्रोड्यूसर मैंने किया है, और 2-3 गाने हमने और शूट करके अभी हम लोग लद्दाख से आए हैं, सो या बहुत कुछ लाइन होगा अभी। तो अभी यार मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, ऑन टॉक्स हूँ, लेट्स सी, आप लोग देख लेंगे, अगर आ रहा हूँ तो 15 से टेलीकास्ट है, तो भी पता चलेगा। Do you have any plans for going to any of the reality shows? Because a lot of many of the reality shows start as like the boss, 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 like
मेरा पर्सनल फेवरेट बिग बॉस ही है. अगर मैं रियलिटी शो के लिए सोचूंगी तो डैट विल बी बिग बॉस. पर अभी इस साल रहने देती हूँ. इस साल साथ जाए ये जाए. मैं अगले साल जरूर कोशिश करूंगी कि आई ट्राई फॉर बिग बॉस. यार बनाने का मकसद यही था कि लोग देख के इससे थोड़ा सा अपने आप को कनेक्ट कर सकें, खासकर लड़कियां और लड़के भी, कि लड़कियों को ऐसा परेशान ना करें कि अगर कई लड़की है तो उसके लिए नज़र गंदी ना रखें. तो एक मैसेज है कि कैसे लड़कियां सेफ हो सकती हैं और मेल्स उनको ना देखें उस नज़र से. मैं तो यही मैसेज दूंगी भैया, डरने की कोई बात नहीं है. आप अपनी सेफ्टी, आई डोंट नो लड़कियों को क्यों, यूजुअली मेरे एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि वो क्यों वीक फील करती हैं या उनको लगता है कि नहीं, घबरा जाती है छोटी छोटी सिचुएशन से. कॉम्प्रोमाइज़ और ये सब इट्स नॉट द सॉल्यूशन. आप फाइट कर सकते हैं, आप इक्वली यू नो आप उतनी स्ट्रांग है. घबराने और डरने वाली बात नहीं है कि जस्ट बिकॉज कि वो एक लड़का है या वो हम लड़की हैं. नहीं, हम भी सब कुछ कर सकते हैं. अपनी सेफ्टी हम खुद देख सकते हैं. किसी के आगे झुकने की यू नो कहीं पे भी सेटल होने की ज़रूरत है नहीं है ऐसे. सो फॉर मी टेडी बियर ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है कि आप बहुत स्ट्रांगली इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सकते हैं इस पूरी दुनिया में. सो या सिर्फ इसका मैसेज एक ही लाइन में ये निकलता है कि सब अपनी जिम्मेदारी समझें, बाकी सब कुछ अच्छा होगा. तो सबको अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, बाकी सब बढ़िया. सब बढ़िया. थैंक यू सो मच. मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल तो टेडी बियर से थोड़ा सा डर लगने लग गया आज के बाद कि टेडी बियर भी इतना डरावना हो सकता है. बट व्हाट अ कॉन्सेप्ट, वेरी नाइस स्टोरी एंड वेरी नाइसली एग्जीक्यूटेड. सो यस, और बहुत सारे एक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया है, स्पेशली द एक्ट्रेस निवेदिता, एंड शी परफॉर्म सो वेल. और जो आजकल हो रहा है सच्चाई ही दिखाई है मूवी में, नथिंग बैड नथिंग लेस. सो या बहुत बढ़िया भैया, बहुत अच्छी स्टोरी है. और थोड़े से समय में ज़्यादा सी बात कहना ये कठिन काम है. इस कठिन काम को बहुत ही आसानी से और बहुत ही सुगमता से इन दोनों ने कहा है. और इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी और बहुत ही रिलेवेंट है. मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को कभी खुद को अकेला नहीं समझना चाहिए. हमारे पास कोई ना कोई चीज़ ज़रूर होती है जो हमेशा हमारी मदद करने को तैयार रहती है. हमें उस चीज़ को ढूंढने की और समझने की ज़रूरत है, भले ही टेडी बियर हो, चाहे वो टेडी बियर क्यों ना हो. तो इसी इशारे को हमें समझना है स्टोरी के माध्यम से. मैं पूरी मूवी में ढूंढ रहा था टेडी बियर कहाँ है, टेडी बियर कहाँ है, व्हाई द नेम ऑफ द मूवी इज टेडी बियर. बट वो एंड में पता चला कि टेडी बियर बोरी के अंदर था और मेन काम उसी का था. As a woman, I'll say कि आई एम नॉट एनी मोर स्केयर्ड ऑफ टेडी बेयर. आई गेस सबके लाइफ में ऐसे टेडी बेयर होना चाहिए, भले इंसान के नाम पे और मे बी अ टेडी बेयर समवेयर. शी गॉट दैट कॉन्फिडेंस. द कॉन्सेप्ट इज़ ब्यूटिफुल. आई रियली लाइक एंड कुडोज टू द एंटायर टीम, दे हैव परफॉर्म्ड इट रियली वेल. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एट द एंड ऑफ द डे इट हैज़ बीन शोन दैट वीमेन वी आर स्ट्रॉन्ग. And it needs a courageous woman to stay in this society, build up her own life, and we don't need anyone. So kudos to the entire team and all the best. Bahut hi sahi short film tha and I'm sure you all liked it. And Shadman ji ne bahut hi zyada acha kaam kiya. He's my very 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 close friend. Yeah. So like just wow. Yeah. उस हिसाब से जो दिखाया गया इट कुड हैव बीन अ मेल ओरिएंटेड मूवी आल्सो और उसमें भी टेडी बियर कुड हैव हेल्प. सो दैट्स व्हाई द कॉन्सेप्ट इज रियली नाइस. अभी मेरा और जैनब का एक वीडियो सॉन्ग आने वाला है, अगेन वेरी रोमांटिक. आप लोगों ने हमें रील्स में बहुत ज़्यादा रोमांटिक और बोल्ड अंदाज में देखा होगा, बट अभी उसको वीडियो एल्बम में लाने की तैयारी है हम लोगों की. एंड आई थिंक इट विल बी द बोल्डेस्ट सॉन्ग ऑफ द ईयर. And as we said, like last year, we had promised that this year it will be like a bang.
something major is gonna coming up, be it a reality show or something. So we are looking forward to. And Zainab ko aap logon ne dekha hai reels mein. And I think wo Bipasha Basu, Sharlene Chopra, Rakhi Sawant sab ki chutti kar chuki hain already boldness mein. And she look fab as always. Thank you. To each on its own. Everyone is doing a great job, but I am here to give my 100%. बहुत बढ़िया भैया. Thanks to everyone. Thank you. The thing is, it was a 20-minute series, but it was very interesting, and the tagline was very nice. You know, the end of the day, like a lady is insecure when she's alone and how she makes herself very secure, you know. So that was a good lesson for everybody to know, you know. And yeah, please keep. बहुत अच्छी लगी क्योंकि एक्चुअली इसकी जो है कि दुनिया में इंसान तो बहुत हैं बट इंसान की भीड़ में इंसान ही नहीं है. कितनी मतलब एक्चुअली ये कहा जाए कि एक वुमेंस के लिए ये अकेले ज़िंदगी जीना बहुत ही कठिन है हर तरफ पर. तो मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी टेडी बियर. हाय नमस्कार, मैं हूँ आपका प्यार लकी तरार. बहुत अमेजिंग सी ये कॉन्सेप्ट था. नारी शक्ति देश की शक्ति है और एक शक्ति को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए वो स्टोरी पूरी इस पे बेस्ड है. और जो एंडिंग है वो बहुत ही एक्साइटेड है. स्टार्ट से लेके एंड तक बहुत अच्छे तरीके से इसे बनाया गया है और मुझे लगता है ये शादमान भाई का फर्स्ट जो टेडी बियर कॉन्सेप्ट था और बहुत शॉर्ट पीरियड में से बना के और इतनी अच्छी बना के प्रेजेंट करना और लोगों को पसंद आना ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और उसके बाद जब वो बड़े प्लेटफॉर्म पे जब रिलीज़ होती है उस प्लेटफॉर्म के बाद उसको रिकॉग्निशन मिलना ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है. सो होप बेस्ट कांग्रेचुलेशन टू ऑल मेकर्स शादमान जी, कांग्रेचुलेशन विपिन सर, विपिन जी पूरी जिन्होंने अच्छा वर्क किया है. हम लोग इसलिए आए हैं क्योंकि हम इनके साथ नेक्स्ट प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं तो हमें एक एडवांस में मालूम पड़ जाएगा कि किस तरीके से वर्क प्रोसेस है एंड ऑल. शूटिंग वाज गोइंग ऑन मैथ या और वो एक ही दिन में कंप्लीट कर दिया. वन टेक वन डे इट वाज. सो गाइस डिड इट यू नो इट वाज ऑल द बेस्ट होप बेस्ट नेक्स्ट प्रोजेक्ट और इससे बड़ा. एंड रियली इट वाज रियली नाइस एंड द पीपल हु केम विद मी इवन दे लव्ड इट यू नो. सो या फुल मार्क्स यू नो फैंटास्टिक. So all the best. Thank you so much. और फिर सादमान जी के साथ में नेक्स्ट आने वाला है हमारा प्रोजेक्ट. Nibhi and Sahil really did a very good job. Yes. And Grover as well, you know, fantastic. He was also here. So yeah. So really thank you, it, thank. You know? Yeah. Thank you so much. Thank all the best. Thank you. And hope best. सर इधर ये कैमरा भी आ कैमरा
कंपार्टमेंट है ना तो ज़्यादा आई थिंक बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था एंड एक शॉर्ट फिल्म आई थिंक फॉर मी फर्स्ट टाइम मैंने शॉर्ट फिल्म में काम किया है एंड मुझे ये जो इशू है काफ़ी अच्छा लगा यू नो वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में था तो इन अ वे अच्छा भी लगा करके और कुछ नया था ऐसा टाइप का कैरेक्टर मैंने पहले कभी प्ले नहीं किया तो फॉर मी तो इट वॉज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस जी मेरे लिए भी जो सबसे पहले मैंने ये जब स्टोरी सुनी थी तो इट्स अबाउट कि वुमेन क्या क्या फेस करती हैं अपने साथ तो वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है वो दर्शाया गया इसमें एंड देन द स्टोरी वॉज वेरी डिफरेंट एंड ऑफकोर्स जो मैंने प्ले करा है वो मैंने इससे पहले ऐसा करेक्टर नहीं प्ले करा तो ये सब चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग थी मेरे लिए टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शॉर्ट फिल्म एंड इसलिए मैं इसका पार्ट हूँ और बहुत अच्छा लगा शूट करके एंड द टीम वॉज अमेजिंग मतलब एक दिन में शूट करना इतना 20 मिनट का फुटेज निकालना बहुत बहुत बड़ी बात है बीट एक्टर्स ले लीजिए या टेक्नीशियंस ले लीजिए सबका बहुत अच्छा काम था वही कह रहा हूँ ना कि जैसे कि मेरा कैरेक्टर ले लीजिए अगर मेरे कैरेक्टर की बात करते हैं तो हमेशा मैंने बहुत ही स्वीट या कॉमेडी या बहुत ही सीधा साधा लड़का प्ले करा है बट यहाँ पर उसको इट वॉज़ अ ट्विस्ट एंड टर्न्स इन द करेक्टर ओनली कि उसको कैसे एक पॉजिटिव से नेगेटिव बनना था और कैसे एक घिरा हुआ इंसान बनना था तो वो सब चीज़ें इस करेक्टर में थी और इससे पहले मैंने नहीं करा था तो यही बहुत बड़ी डिफरेंस था मेरे लिए टू परफॉर्म करना एंड जो कि आप देखेंगे अब MX प्लेयर पर टेडी बेयर करके एंड वही नहीं यार आई थिंक राइटली सेट बाय हिम इवन मेरे जो कैरेक्टर था विद्या के कैरेक्टर में काफ़ी सारे शेड्स थे व्हेन शी स्टार्टेड ऑफ यू नो एक बहुत ही इंडिपेंडेंट बेचारी सी लड़की लग रही थी जो अपना घर चलाने की कोशिश कर रही है यू नो सिंगल ऑब्वियसली वो है शी इज़ अ विडो बट देन टुवर्ड्स द एंड कैसे उसका ग्राफ चेंज हुआ एंड द होल वुमेन एम्पावरमेंट वाला इशू हाउ शी सॉर्ट ऑफ थॉट कि जब अपने पे बात आती है देन एवरी वुमेन इज केपेबल ऑफ रियली लुकिंग आफ्टर हर सेल्फ एंड डूइंग यू नो व्हाट इज नीडेड जस्ट टू प्रोटेक्ट हर सेल्फ ये इशू नहीं था क्योंकि हम एक दूसरे को जानते थे क्योंकि वो भी इस इंडस्ट्री से मैं भी और हमारा एक ग्रुप है वी आर अ पार्ट ऑफ दैट तो मैं इनको जानता था ये भी मुझे जानती थी तो एक कम्फर्ट लेवल ऑफकोर्स पहले से था हमारे बीच में तभी ये आप देखेंगे कि एक ही दिन में आप जब केमिस्ट्री भी देखेंगे या कुछ भी देखेंगे तो वो सब देखें मिलता है आपको क्योंकि वो एक था चीज़ हमारा शुरू बॉन्ड पहले से बनी हुई थी तो इतना कंफर्ट लेवल हमारा पहले से एक्चुअली बहुत अच्छा था लकीली सर जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि इसका ये कैरेक्टर बहुत ही चेंज है मैंने इससे पहले करा नहीं था और ये एज एन एक्टर मेरे लिए भी बहुत चैलेंजिंग था ये रोल करना और मैं अपने लिए वही आजकल मैं रोल्स देखता हूँ जो मेरे लिए चैलेंजिंग है एज एन एक्टर तो और मैं कंफर्ट लेवल से मेरे बाहर हूँ और ये इसमें वो सब कुछ मुझे मिल रहा था एज एन एक्टर तो इसलिए मैंने ये कैरेक्टर करा यार आई एम श्योर दिस वॉज अ वेरी अनटच्ड काइंड ऑफ एनवायरनमेंट फॉर मी फॉर दिस एंड सच में बिकॉज इट वॉज अनटच्ड मुझे और ज़्यादा मज़ा आया करने में बिकॉज बहुत कुछ था यू नो करने के लिए बहुत कुछ सीखने को भी मिला और एक यू नो नया लेवल ऑफ आप कह सकते हैं एक नया एनवायरनमेंट भी मैंने काइंड ऑफ डिस्कवर किया एज एन एक्टर एंड आई थिंक दैट्स व्हाट वी वांट एट द एंड ऑफ द डे यू वांट टू काइंड ऑफ प्ले कैरेक्टर्स दैट यू हैवंट प्लेड बिफोर यू वांट टू सी हाउ मच यू कैन ग्रो एज एन एक्टर तो होपफुली इन द फ्यूचर दैट इज व्हाट आई इंटेंड ऑन डूइंग और मेरा भी ऐसा ही है कि
अब जो मेरे आगे मैं करने जा रहा हूँ अभी शूट और जो मैं करूँगा उसमें आपको बहुत कुछ डिफरेंस मिलेगा, आपको लुक में भी बहुत डिफरेंस दिखने वाला है मेरे हर एक कैरेक्टर में, और जो मैं प्ले करने वाला हूँ वो भी बहुत डिफरेंट. तो आपको एक टाइप का रोल नहीं दिखेगा कि अच्छा ये ही लाइन पकड़ के चल रहा है. सो यू विल सी अ डिफरेंस इन माय रोल्स एंड माय लुक्स आल्सो. सो बात करें आपके जो इससे पहले बेकाबू में आपका जो रोल था काफी छोटा और काफी इंपैक्टफुल रोल रहा है जितना आपने प्ले किया बेकाबू में, उसके बाद फिर अभी कोई ऐसे टीवी शो आप पिच कर रही हो फिलहाल के लिए? जी बेकाबू आई थिंक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए, ऑल दो इट वॉज वेरी शॉर्ट लिव्ड, बट आई थिंक द होल टीम रंजन सर से लेके एवरीबडी ऑन सेट आई थिंक बहुत कुछ सीखने को मिला फ्रॉम एवरीबडी ऑन सेट, एंड ऑब्वियसली वर्किंग विद बालाजी इज़ ऑलवेज अ फन एंड वंडरफुल एक्सपीरियंस. येस एक दो और चीज़ें हैं पाइपलाइन में जो मैं अभी अनफॉर्चुनेटली नहीं रिवील कर सकती, बट बहुत ही जल्द इनफैक्ट आई थिंक इन द कमिंग वीक ओनली यू गाइस विल फाइंड आउट अबाउट इट एंड देन आई विल बी मोर देन हैप्पी टू टॉक मोर. इसमें से उम्र के लिए कोई अच्छा मैसेज देने की कोशिश की गई है? ऑफकोर्स लाइक आप लोग ने देखा है बहुत ही वुमेन सेंट्रिक फिल्म है, एंड मैसेज बस यही है कि यू नो इट्स इम्पॉर्टेंट टू ऑलवेज look after yourself and know that you are capable, you are courageous enough to do whatever it takes to survive. And anything of update for the reality show ki tarah you have been filmed and nowadays there is casting going for Big Boss 2017, to kya aap dono mein se koi hame nazar aa sakta hai? Nahi, main like I am the focusing more on the web and I don't want to do any reality shows abhi. बिग बॉस का तो नया, बाकी और शोज आ रहे हैं, टेम्पटेशन आइलैंड वगैरह, ये बहुत कुछ आ रहे हैं, सो उससे दूर है अभी. एग्जैक्टली, अभी थोड़ा रियलिटी से ब्रेक लेके एक्टिंग पे फोकस करते हैं. मुझे लग रहा है मैं स्प्लिट, जब मैं 50 साल का हो जाऊंगा तो शायद स्प्लिट से मैं जाऊँ. परफेक्ट, न्यू थीम इंट्रोड्यूस करेंगे हम. सर अभी पहले मेरे जो स्प्रिचुअल रोडीज वगैरह करना है 50 साल की उम्र में, जोक्स अबाउट, बट अभी नहीं नहीं कोई कोई इसके अलावा कोई आने वाले वक्त में और क्या क्या कुछ पाइपलाइन अगर हमारी ऑडियंस को शेयर करना चाहेंगे? है एक टीवी शो है पाइपलाइन में और एक वेब भी लाइंड अप है फिलहाल, जो डिटेल्स है अभी कुछ दिन में ही मैं सबके साथ शेयर करना यू नो चाहूँगी, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. जी मेरा टीवी का तो अभी कुछ थोड़ा मैंने ब्रेक ले रखा है कसौटी के बाद से, चार चार साल पाँच साल हो गए हैं कल ही हुए हैं, और मैंने टीवी के लिए उसके बाद इतना ट्राई नहीं किया है, सो आई एम मोर फोकसिंग ऑन वेब और वो ही चल रहा है, और तीन चार मेरे वेब सीरीज़ रिलीज़ हुई हैं, अभी शॉर्ट मूवीज़ हो रही हैं, और अभी दो हैं जो रिलीज़ पर हैं, और अभी मैं एक शूट के लिए जा रहा हूँ, तो सब वेब में ही हैं, जो मैं वेब स्पेस में ही मैं काम करना चाहूँगा. नाम ही इतना प्यारा है टेडी बियर की, जाइए देखिए और मज़े लीजिए. यस, आज रात से स्ट्रीम होगा ये MX पे और बहुत सारे दूसरे प्लेटफॉर्म पे इज वेल, सो प्लीज़ जाइए अपना प्यार दिखाइए, एंड आई होप यू गाइस लाइक द अमाउंट ऑफ लव एंड एफर्ट वी पुट इनटू इट. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. इवेंचुअली टेडी बियर है एक कॉन्सेप्ट ऐसा है जिसकी एक मेन लाइन है वहाँ पे, अगर आप लोगों ने देखी होगी तो, कि दुनिया में इंसानों की भीड़ तो बहुत है पर इस भीड़ में कोई इंसान नज़र नहीं आता है. तो इस फिल्म में आप ये देखना चाहेंगे कि जो विद्या की कमजोरी है, विद्या ने उसी को अपना हथियार बना लिया है और जिसके सहारे वो ज़िंदगी काट रही है. तो आई थिंक बाकी आप लोग देख के ही समझ पाएंगे. शायद तो यही मेरा एक था कि एक सोशल मैसेज है ये कि कोई भी औरत अकेली होगी, वह अकेली नहीं हो सकती है, अगर वो चाहे अपने आप को किसी भी माध्यम से, किसी भी चीज़ से लेके, चाहे अपने फैमिली हो या कोई भी चीज़ हो जिससे वो बहुत अटैच है, अपने आप को इस दुनिया से बचा सकती है. जो क्योंकि आजकल
इंडिया हो या कहीं भी हो कि औरतें अकेली हैं या लड़की अकेली है तो उसको लोग अलग ही नज़र से देखते हैं, मतलब उसको कुछ ना कुछ उसके बॉडी को लेके, और अगर लड़की सुंदर है तो और ज़्यादा ही उसके ऊपर प्रॉब्लम आती है। तो एक मैसेज यही था कि एक जैसे इस विद्या ने टेडी बियर का सहारा लिया, वैसे कोई भी लड़की कोई भी औरत किसी भी का सहारा लेके अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती है। एक्चुअली आजकल इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ सिंगल पर्सन और सिंगल लेडी कि कैसे सर्वाइव करना है, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन। तो इसमें यही है कि अगर आप अपनी सेफ्टी पे आ जाए तो कोई भी चीज़, कोई भी जरिया बन सकता है, और आप खुद की यू नो सेल्फ कर सकते हो टच। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, और जैसे कि हमने एक ही दिन में ये स्टोरी एकदम लिखी है एंड शूट किया, और मेरा पर्सनली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। लाइक अब मेरे कोस्टार्स दे आर वेरी हेल्पिंग, एंड हमारे डायरेक्टर, मेरे प्रोड्यूसर, सो मैंने बहुत इंजॉय किया। और बेशक ये मेरा एक छोटा सा होता, लेकिन पर्सनली मेरे को बहुत मज़ा आया करने में। सी मैं एक बहुत इंडिपेंडेंट लड़की हूँ, आई एम अ वेरी स्ट्रांग पर्सन, और मैं बिलीव करती हूँ इंडिपेंडेंट मतलब किसी की भी ज़रूरत नहीं है लड़कियों को, अगर वो अपने में आ जाए तो, अगर अपनी सेफ्टी पे है तो आई डोंट नीड एनी मैन टू हेल्प मी, और कोई भी नहीं चाहिए। मैं अपनी यू नो आजकल लड़कियाँ बहुत आगे हैं, लड़कों से भी आगे हैं, तो मेरा तो पर्सनल यही है। इवेंचुअली ये आइडिया और स्टोरी लाइन वाइज चीज़ें, आइडियाज़ तो काफ़ी दिनों से चल रहे थे, बट शाद भाई के सुनने के बाद ये था कि क्योंकि दो दिन के बाद हमारा नेक्स्ट शेड्यूल जो भी आगे आने वाला है वो आप देखने वाले हो, तो हमारे पास टाइम ही नहीं था और ये करना ही था, तो जिसके लिए हमने डिसाइड किया कि नहीं हम जो है करते हैं और एक ही दिन में करते हैं। तो और बाकी पूरी टीम का सपोर्ट और एक्टर, एवरीबॉडी इज लाइक वेरी सपोर्टिंग, मतलब एक दिन सच में हमें बहुत मजा, हमें लग रहा था कि इसको और ड्रैग करते हैं बट वी हैड अ फन। बिल्कुल, हम लोग अभी इसके बाद हमने एक कंप्लीट किया भी है जो मोस्टली इस मंथ या अक्टूबर के लास्ट में रिलीज होगी, वो भी एक अच्छे OTT पे, वो वेब फिल्म है, मतलब प्रॉपर बड़ी फिल्म है वो। हमने एक अभी इस मंथ ही हम 5 तारीख से हम एक और फ्लोर पे जाने वाले हैं एक और वेब के लिए, जो ये भी सेम OTT के लिए है, वो 5 एपिसोड्स की वेब फिल्म है, तो उसमें भी विपिन सर ही डायरेक्ट कर रहे हैं उस चीज़ को। हम लोग आउटडोर शूट करेंगे मुंबई के बाहर, और बहुत अच्छी स्टोरी है वो, उसका नाम रिवील करेंगे जल्दी। तो बस हाँ, दो तीन चीज़ें हैं, मेरा 2-3 गाने आने वाले हैं अभी, नेक्स्ट वीक मेरा एक गाना रिलीज है जब प्रोड्यूसर मैंने किया है, और 2-3 गाने हमने और शूट करके अभी हम लोग लद्दाख से आए हैं, सो या बहुत कुछ लाइन होगा अभी। तो अभी यार मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, ऑन टॉक्स हूँ, लेट्स सी आप लोग देख लेंगे, अगर आ रहा हूँ तो 15 से टेलीकास्ट है तभी पता चलेगा। मेरा पर्सनल फेवरेट बिग बॉस ही है, अगर मैं रियलिटी शो के लिए सोचूंगी तो डैट विल बी बिग बॉस, पर अभी इस साल रहने देती हूँ, इस साल साथ जाए ये जाए, मैं अगले साल जरूर कोशिश करूंगी कि आई ट्राई फॉर बिग बॉस। यार बनाने का मकसद यही था कि लोग देख के इससे थोड़ा सा अपने आप को कनेक्ट कर सकें, खासकर लड़कियाँ और लड़के भी, कि लड़कियों को ऐसा परेशान ना करें कि अगर कई लड़की है तो उसके लिए नज़र गंदी ना रखें। तो यही मैसेज है कि आप कैसे लड़कियां सेफ हो सकती हैं और मेल्स उनको ना देखें उस नज़र से।
मैं तो यही मैसेज दूंगी भैया, डरने की कोई बात नहीं है, आप अपनी सेफ्टी, आई डोंट नो